हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी जो कि 15 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी। इसके लिए मैंने ये फुल फैट 1.5 लीटर दूध ले लिया है और कुछ केसर के लच्छों को मैंने गर्म दूध में मिला के रख दिया है ताकि इसका कलर आ जाए। और इसमें मिलाने के लिए मैं चीनी नहीं लूँगी, मैं धागे वाली मिश्री का पाउडर लूँगी और 1 पिंच मैं इसमें एक मैजिक डालूँगी जिससे ये हमारी रबड़ी लच्छेदार बनके तैयार हो जाएगी, जल्दी से लच्छेदार बनके तैयार हो जाएगी। ना मैं इसमें ब्रेड डालूंगी, ना मैं इसमें आटा डालूंगी, ना मैदा, कॉर्नफ्लोर, अरारोट, दही, ऐसा मैं कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें। मैं सिर्फ 1 पिंच मैजिक करूंगी जिससे हमारी रबड़ी रेडी हो जाएगी। दूध में उबाल आने लग गया है, अब मैं इसमें ये मैंने 100 ग्राम धागे वाली मिश्री ले ली है, इसको इसमें मिला दूंगी। आप चाहे तो चीनी ले सकते हैं लेकिन मैं ये मिश्री में मिला बना रही हूँ। तो 100 ग्राम मैंने धागे वाली मिश्री ली है, क्रिस्टल वाली नहीं ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके एक उबाल और आने देंगे। तो ये आप देख सकते हैं दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। इसके आसपास की जो भी मलाई होगी वो भी हम इसी में मिलाते जाएंगे और इसको थोड़ा 5 मिनट तक हम ऐसे ही उबालेंगे। इसमें अभी मैं ये केसर वाला दूध मिला देती हूँ ताकि कलर अच्छा आ जाएगा इसका, और 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। तो हमें 5 मिनट हो गए हैं इसको उबाल दिलाते हुए और ये दूध आप देख सकते हैं अभी से ही कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखिए अभी से ही इतना गाढ़ा है ये दूध। अब मैं इसमें वो 1 पिंच मैजिक डालूँगी, वो है ये हमारी एल्यूम यानी फिटकरी, ये खाने वाली फिटकरी है। ये मैं इसमें 1 पिंच एल्यूम डाल दूंगी। ये मैंने 1 पिंच एल्यूम इसमें डाल दिया। अब इसको बस हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और मिक्स करके छोड़ देंगे इसको। फ्लेम मैंने हाई रखी है, हाई फ्लेम पे ही बनाएंगे। बस अब हम इसको छोड़ देंगे। अब ये खुद ब खुद इसके लच्छे बनने शुरू होंगे जो मैं आपको 5 मिनट में दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमें 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और ये देखिए कितने अच्छे लच्छे बनने शुरू हो गए हैं रबड़ी में। तो आप भी ऐसे फिटकरी से इंस्टेंट रबड़ी बना सकते हैं, लच्छेदार रबड़ी। लेकिन ये ध्यान रखें कि फिटकरी ज़्यादा ना डालें इसमें, वरना दूध फट जाएगा और वो रबड़ी की जगह पे कलाकंद बन जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, सिर्फ 1 पिंच ही डालें। 1.5 लीटर में मैंने 1 पिंच डालना है तो बस इतना ही डालें और इसको हिलाएं नहीं बार बार, ज़्यादा हिलाएंगे तो भी दूध फट जाएगा। तो इसको आप सिर्फ इसमें फिटकरी डाल के इसको इसके हाल पे छोड़ दें और हाई फ्लेम पे रखें। चम्मच ऐसे इसी में डाल दें ताकि दूध निकल निकल के बाहर ना आए। चम्मच इसीलिए डालते हैं ऐसे हम के दूध उबल भी जाए तो बाहर ना आए। तो अभी ये हमें पूरे 15 मिनट हो गए हैं और ये 15 मिनट में हमारी रबड़ी एकदम रेडी हो गई है। ये देखा आपने कितनी गाढ़ी हुई है। तो बस हमें इसको बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगे हैं और हमारा दूध भी ज़्यादा नहीं जला है। आप देख सकते हैं पहले वाला निशान इसका और अभी वाला निशान, तो ज़्यादा नहीं जला है ये दूध हमारा। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको एकदम ठंडा करने रख दूंगी। अब आपको रबड़ी चाहिए तो इसको फ्रिज में रख लें और ठंडा करके सर्व करें, और अगर आपको इसकी आइसक्रीम बनानी है तो उसका प्रोसेस मैं आगे बताती हूँ इसके ठंडा होने के बाद। तो ये बिल्कुल ठंडी हो गई है, अब ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ठंडी होने के बाद भी। अब मैं इसको एक बार मिक्सर ग्राइंडर में चला लूँगी ताकि इसके सारे ये जो लच्छे बने हैं ना, ये सारे लच्छे एक सार होके ये एकदम परफेक्ट हमारी रबड़ी की आइसक्रीम बने। नहीं तो लच्छे अलग से आएंगे और मिल्क अलग रहेगा। तो हम इनको एक बार फेंट के फिर इसको हम इसको सेट होने के लिए फ्रीजर में रखेंगे। तो अब ये मैंने इनको एयर टाइट बॉक्स में निकाल दिया है और ऊपर से मैंने पिस्ता और इस ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो वो इसके ऊपर लगा लें। और अब मैं इनको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दूँगी। कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे इसको सेट होने में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो अब हम ये 3 घंटे हो गए हमें, अब मैं आपको दिखाती हूँ आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है, ये कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है हमारी। तो बस आप भी ऐसे या तो रबड़ी बनाइए या रबड़ी की इस तरह आइसक्रीम बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।